तो बच्चों आज आपको डालनी है नई मेन हेडिंग कॉन्सेप्ट रजिस्टर में। आखिरी हेडिंग है, चैप्टर अपनी आज अंतिम सांसें ले रहा है और मुझे तो ये डर है कि कहीं चैप्टर आज ख़त्म ना हो जाए। तो लास्ट हेडिंग का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के मेथड्स, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके सवाल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे आपको, है ना, जो वैसे आपको शायद याद ना हो। तो एक एवरेज प्रॉफिट मेथड कर चुके, एक सुपर प्रॉफिट मेथड कर चुके, तो तीसरा जो और आखिरी मेथड है उसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें मैंने आपको बताया था दो तरह के मेथड्स होते हैं, तो पहले आप ए लिख के हेडिंग डाल के लिखना, ए का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें लिखो गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो एक लाइन का फॉर्मूला है छोटा सा, पर ऑब्वियसली इसमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है वो पहले हमें पता होना चाहिए। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, मैं दोनों बातें बताऊंगा। तो पहले ये लिखते हैं कि निकालना कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू का। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। और दूसरा टर्म हमने इस्तेमाल करा नेट एसेट्स, तो नेट एसेट्स इज इक्वल्स टू, नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे, नेट एसेट्स इज इक्वल्स टू आपको लिखना है सेम फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एज डिस्कस्ड अर्लियर, सेम फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एज डिस्कस्ड अर्लियर। तो ये सेम ही फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड वाला जो आपके साथ पहले डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, जो किसी भी बच्चे को याद नहीं है। तो कोई बात नहीं, जब सवाल में आएगा तो याद भी आ जाएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ये आखिर क्या है मेथड, ये किस तरह से गुडविल की वैल्यूएशन करवाने का तरीका बता रहा है। तो बहुत ही यूनिक और सबसे मज़ेदार और सबसे प्रैक्टिकल तरीका यही होता है, कैपिटलाइज्ड तरीका। अब एक उदाहरण को बड़े ध्यान से समझना सब बच्चे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये कोई बिजनेस है बेसिकली, ठीक है जी। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे इस बिजनेस से कम से कम मुझे इस बिजनेस से 1 लाख रुपए का मुनाफा होना चाहिए, मैं ये चाहता हूं, नहीं तो मैं बिजनेस नहीं करूंगा। कि मुझे कम से कम बिजनेस से 1 लाख रुपए का साल का मुनाफा होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं बिजनेस नहीं करूंगा, नहीं तो मैं कुछ और कर लूंगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। दूसरा मेरे दिमाग में ये सोच आती है कि अगर मैं बिजनेस करूं तो बिजनेस में मैं कितना मुनाफा कमाना चाहता हूं, मैं कितने प्रतिशत मुनाफा कमाना चाहता हूं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मुझे मान लो बिजनेस करके खाली 5% ही मुनाफा कमाना हो तो फिर मैं बिजनेस नहीं करूंगा, क्योंकि उतने पैसे तो मुझे बैंक में FD करके बैठे बैठे ही घर पे मिल जाएंगे। तो मैं ये सोचता हूं कि भाई अगर बिजनेस कर रहा हूं मैं, तो भाई कम से कम देखो 10% मेरे को रिटर्न मिलनी चाहिए, मैं तभी पैसा इन्वेस्ट करूंगा अगर मुझे 10% रिटर्न मिलेगा। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि भाई तुम चाहते हो 1 लाख रुपए कमाना, मैंने कहा हाँ। तुम चाहते हो कि तुम्हें 10% रिटर्न मिले इन्वेस्टमेंट में, मैंने कहा हाँ। तो वो ये कह रहा है, वो ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या तुम ये बता सकते हो कि आखिर तुम इस बिजनेस में कितना पैसा निवेश करोगे ताकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट ये दोनों पूरी हो जाए। वो मुझसे सवाल पूछ रहा है
कि तुम बताओ कितनी कैपिटल इसमें इम्प्लॉय करोगे, तुम कितना पैसा इसमें निवेश करोगे ताकि तुम्हें लाख रुपए की प्रॉफिट हो जाए और तुम 10% मुनाफा कमा सको, उसने मुझसे ये पूछा। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई कितने रुपए इस बिज़नेस में निवेश करा जाए, कितने रुपए इस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया जाए सो दैट आई कैन अर्न 10% रिटर्न विद 1 लाख रुपी प्रॉफिट। मेरा सवाल समझ आया आपको कि हाउ मच मनी शुड आई इन्वेस्ट इन द बिजनेस सो दैट आई विल अर्न 10%, मैं 10% मुनाफा कमा सकूं, रिटर्न कमा सकूं अपने इन्वेस्टमेंट पर और मुझे 1 लाख रुपए मुनाफा हो जाए। तो अब अगर ये मैं सवाल आप ही से पूछूं तो क्या आप बता सकते हो कि मैं कितने रुपए ऐसे इन्वेस्ट करूं कि मुझे 10% रिटर्न मिलने पर 1 लाख रुपए मुनाफा हो जाए? तो इधर के बच्चे कह रहे हैं 10 लाख। तो ये आप क्यों कह रहे हो? मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा और 10 लाख रुपए पर अगर मुझे 10% रिटर्न मिलेगा तो कितना होगा वो? 1 लाख होगा। तो इसका मतलब अगर मैं 10 लाख रुपए इस बिजनेस में निवेश करता हूं तो बोलो बच्चों क्या मुझे 10% रिटर्न मिलने पर लाख रुपए प्रॉफिट होगा कि नहीं? बोलो होगा कि नहीं होगा? सब बच्चे संतुष्ट हैं कि अगर इस बिजनेस में मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे 10% रिटर्न के हिसाब से ये बिजनेस 1 लाख रुपए दे देगा कमा के? सब बच्चों को बात समझ आ रही है? तो बताओ ये 1 लाख रुपए और ये 10 लाख रुपए आपने निकाला कैसे? ये 10 लाख की फिगर तक आप पहुंचे कैसे, ये बता दो कैलकुलेशन। हाँ तो ये है रट्टू तोता, वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला यही लगाया ना, मतलब आपने कैसे निकाला? आपने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया 100/NRR से, एक तरह से। यानी कि अगर आपसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू पूछी जाए कि आपने 10 लाख कैसे निकाली, तो आपने अपने मन में क्या कैलकुलेशन करी या कोई भी बच्चा क्या कैलकुलेट करेगा? वो प्रॉफिट को, यानी इस एवरेज प्रॉफिट को 100/ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेगा। तो अगर आप वो मैथमेटिक्स को सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 10 लाख। तो इसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोला जाता है। इसका मतलब ये कि इस बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट होने चाहिए, इसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। तो दिस 10 लाख इज नोन एज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इस 10 लाख को बोलते हैं बच्चों कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो जिसे मैं बार बार कैपिटल कैपिटल कह रहा था ना, एक्चुअल में उसकी टर्मिनोलॉजी होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। यानी कि इस बिजनेस में 10 लाख रुपए लगे होने चाहिए भाई, इस बिजनेस में 10 लाख रुपए लगे होने चाहिए तो आपको 10% रिटर्न मिलेगा और आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। तो पहले कैपिटलाइज वैल्यू समझ आ गया, एक बार दोबारा देख लो फॉर्मूला भाई अगर किसी के मन में डाउट है। तो कैपिटलाइज वैल्यू का देखो फॉर्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/NRR। तो समझ आया, यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन मजेदार बात यह कि जब मैंने इस बिजनेस के ओनर से बात करी ना, तो पता है उस बिजनेस के ओनर ने मुझे क्या सच्चाई बताई, उसने क्या ट्रुथ बताया? कह रहा है एक्चुअल में तो मैंने इस बिजनेस में सिर्फ 8 लाख रुपए ही लगा रखे हैं। मैंने कहा अरे वाह, तो इसका मतलब तुम्हारा तो बिजनेस बहुत बढ़िया है। मैं तो ये सोच रहा था कि इस बिजनेस में कम से कम 10 लाख रुपए लगाने चाहिए तो मैं 10% रिटर्न कमाऊंगा और 1 लाख रुपए कमाऊंगा। तुमने खाली 8 लाख रुपए ही निवेश कर रखा है इस बिजनेस में। तो वो कहता है हाँ। तो मैंने कहा भाई इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस अच्छा है, तुम्हारे बिजनेस की इसका मतलब कोई ना कोई गुडविल है, कोई ना कोई ब्रांड वैल्यू है। वो कहता है हाँ बिल्कुल है। तो जो भी ये डिफरेंस होता है बेसिकली इस 10 लाख में और इस 8 लाख में, उसे गुडविल कहा जाता है। इसका मतलब उसके बिजनेस की जरूर कोई गुडविल है, तभी वो कम पैसे निवेश करके भी ज्यादा मुनाफा कमा पा रहा है। क्योंकि ये अच्छे बिजनेस की यही पहचान होती है कि वो कम इन्वेस्ट करके भी अच्छे मुनाफे कमा पा रहा है। तो आपका एक फॉर्मूला बन गया गुडविल का। ये 2 लाख की फिगर बताओ कैसे निकली, खुद बताओ कैसे निकली? आपने क्या क्या कैपिटलाइज वैल्यू 10 लाख में से क्या माइनस करा? 8 लाख। तो बेसिकली गुडविल यही होती है। यानी कि इस मेथड में आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से क्या माइनस कर देते हो?
नेट एसेट्स, नेट एसेट्स वर्ड जो है ये याद रखना है। हालांकि नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप अपने प्रीवियस नोट्स में से देख सकते हो जब आपके साथ डिस्कस करा था। तो इस तरह से गुडविल की वैल्यू को निकाल लिया जाता है। तो एक बार अपने मुंह से बोल दो सब बच्चे तेजी से, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या, गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है तो क्लियर हो गया, बस आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद आते हैं बी, दूसरा मेथड इसी के अंदर। दूसरे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये और ज्यादा आसान है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें लिखो गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR, बस खत्म। तो इसमें हम सीधा कैपिटलाइज कर देते हैं सुपर प्रॉफिट को। तो इसमें सीधा सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया एक तरह से और गुडविल आ गई। तो ये सबसे इजी मेथड बन गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि आप भोले मासूम बच्चे हो तो आपको यही नहीं याद होगा पुराना कि सुपर प्रॉफिट क्या होता था। ओ माय गॉड, तो ये लिख लो जिसको याद नहीं है, या याद भी है तो दोबारा लिख लो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और मैं ये पक्का 100% श्योर हूं कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट तो पक्का याद नहीं होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। ओ गॉड, चलो तो आज की बच्चों छुट्टी, क्लास खत्म, अब इस बैच को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये सब बच्चे तो पहले से होशियार हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला सही इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो ये हमने वैसे पहले पढ़ रखे थे, तो ये वही सेम फॉर्मूले हो गए सुपर प्रॉफिट को निकालने के। तो इसमें आपको सीधा गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, सीधा सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, तो आपकी स्ट्रेट अवे गुडविल आ जाएगी। तो क्लियर हो गए दोनों मेथड, सिंपल फॉर्मूले। तो दो तरह से कैपिटलाइजेशन करा जा सकता है, या तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हैं या हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब इन दोनों ही तरीकों में, या यूं कह लो इस पूरे कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर, क्या किसी ने कोई अच्छी बात नोटिस करी, बताओ क्या अच्छी बात नोटिस करी किसी ने? नहीं नोटिस करी तो मैं लिखवाता हूं बादल के अंदर। देखो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसी मेथड के अंदर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये इस मेथड की कभी कभी पहचान भी बन जाती है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रखा तो ये इस मेथड की एक तरह से कभी कभी पहचान बन जाते हैं कि अच्छा नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दे रहा तो इसका मतलब शायद हमें कैपिटलाइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है। तो आपने देखा कहीं पर भी NYP का यूज हुआ, नहीं हुआ, तो ये मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज का कोई भी चक्कर नहीं होता। तो हम बिना NYP के ही ये अपने दोनों तरीकों से गुडविल निकाल लेते। तो क्लियर हो गया, चलो तो अब आप इसके नीचे लाइन लगा सकते हो। तो पूरा कॉन्सेप्ट खत्म मेथड का भी और चैप्टर का भी, तो यहां कहानी होती है समाप्त। तो अब प्रैक्टिस रजिस्टर में आप आओ, किताब में आओ, सबसे पहले शुरू करेंगे क्वेश्चन 27 से। ए फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। एक फर्म के एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख रुपए। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्रीज 15%, नॉर्मल रेट है 15%। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड इट्स लाइबिलिटीज वर 2 लाख। बिजनेस के एसेट्स 17 लाख रुपए के हैं और बिजनेस की लाइबिलिटीज 2 लाख रुपए की हैं।
कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय, कौन सा मेथड है जी? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो तो मेरे साथ साथ लिखो, क्योंकि पहला सवाल कर रहे हैं, सॉल्यूशन कायदे से करना है। तो फॉर्मूला लिखो, अब दो तीन सवालों में फॉर्मूला पूरा लिखेंगे बार बार। फॉर्मूला है गुडविल का इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा? ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। और नेट एसेट्स का फॉर्मूला? हाँ वो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, तो याद है वो क्या था फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड वाला? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो शॉर्ट में लिख लेता हूं, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अब इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर दो, एवरेज प्रॉफिट की जगह पुट कर लो 3 लाख और एनआरआर की जगह पुट कर लो 15, टोटल एसेट पुट कर लो 17 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी पुट कर लो 2 लाख। तो बस फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये तो आ गया सॉल्व करके 20 लाख, ये आ गया ब्रैकेट 15 लाख, तो गुडविल आ गई 5 लाख। तो किताब वालों का सही है, ठीक है। तो ये देखो बोर्ड्स एग्जाम का क्वेश्चन है, तो गुडविल आएगी 5 लाख, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो एक और करते हैं, इसी तरह का फॉर्मूला पूरा लिख के करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 28। में क्या कह रहा है? ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। ए और बी की पार्टनरशिप है और जिन्होंने फर्म के अंदर 3 लाख और 2 लाख रुपए की कैपिटल निवेश कर रखी है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 20%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स वॉज 7.5 लाख। तो पीछे वो देखो अभय डांस कर रहा है, बताओ अभय क्यों डांस कर रहा है? क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट की निकाल के दे रखी है, मतलब कि जो पिछले सवाल में कैपिटलाइज वैल्यू हमने निकाली थी ना, इस सवाल में कैपिटलाइज वैल्यू ऑलरेडी दे दी। मतलब एक तो वैसे ही क्वेश्चन आसान और ऊपर से वो उसमें भी खुद ही निकाल के एक चीज दे रहा है पहले से, तो कैपिटलाइज वैल्यू दे रखी है 7.5 लाख, मजे आ गए। बस अब है, बस और मत नाचो। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो तो लिखो सॉल्यूशन। तो सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड्स में आया था। ये इसीलिए पता है बोर्ड्स में कब आया था? जो 2020 में बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी, सी। सी का मतलब होता है जो बच्चे फेल हो गए मेन एग्जाम में, तो कंपार्टमेंट वालों को तो आसान देंगे ना सवाल, तो इसीलिए उनका सवाल ये आसान वाला दिया। तो एक बार फॉर्मूला लिख लो, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस, बोलो, नेट एसेट्स, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू उसने खुद ही निकाल के दे रखी है 7.5 लाख, तो मजे आ गए। अब माइनस नेट एसेट्स, नेट एसेट्स में बताया था कि नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है सेम कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, कैसे पता चला? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये भी था जो आप भूल गए बच्चों, कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स, है ना, वो भी तो लिखवाया था ना। तो पार्टनर्स की कैपिटल्स कितनी है? 3 लाख और 2 लाख मिलाकर कितनी हो गई? 5 लाख। तो आप 5 लाख लिख सकते हो नेट एसेट्स, ठीक है ना, याद रखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का सेम ही फॉर्मूला होता है, तो गुडविल आ गई 2.5 लाख, तो बच्चा कंपार्टमेंट में पास हो गया।
ठीक है चलो सर, और मुश्किल करवाओ सर। तो क्वेश्चन 29, इस पे एक तारा लगा लो तो इसमें थोड़ा सा एक नयापन देखने को मिलेगा, ये इम्पोर्टेंट भी हो गया। इसीलिए इसमें कह रहा है, पुनीत एंड तरुण आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज रुपी 2,50,000 ईच। तो पुनीत और तरुण रेस्टोरेंट का बिजनेस संभाल रहे हैं और उनके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर 2.5-2.5 लाख रुपए ईच है, ठीक है। दे हैव क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर करंट अकाउंट्स, और उनके क्रेडिट बैलेंसेस करंट अकाउंट में भी हैं, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये दोनों के, मतलब रेस्पेक्टिवली 30 और 20 रेस्पेक्टिवली। चलो अब थोड़ा सा सुनना पड़ेगा बच्चों आपको, थोड़ा सा मेरी बातों को। ये बातें चैप्टर पुराने वाले की याद दिलवा रही है, पुराना चैप्टर फंडामेंटल्स याद आया किसी को? उसमें आपको ये बताया था कि पार्टनर्स कभी कभी फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं, याद है? वो दो मटके बनाते हैं। दो मटकों का मतलब है वो दो अकाउंट में अलग अलग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वो कहते हैं एक अकाउंट को हम फिक्स्ड रखेंगे, यानी कैपिटल फिक्स रहेगी, और बाकी जो लेन देन वेन देन करना होगा उसके लिए हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ये याद है आपको? वैसे सबको याद है ये बात, बोलो ना। हाँ, तो अब जैसे पुनीत के मामले में मैं मान लो ये पुनीत के दो मटके बना रहा हूं, तो पुनीत की देखो फिक्स्ड कैपिटल में इस मटके में कितना पानी है? 2,50,000। पुनीत की फिक्स्ड कैपिटल कितनी है? 2,50,000, ठीक है। और पुनीत के करंट अकाउंट वाले मटके में कितना पानी है? 30,000। बोलो, बात समझ आ रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? पुनीत के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में है 2,50,000 और पुनीत के करंट अकाउंट में है 30। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मान लो मैं अब आपसे ये पूछूं, एक लॉजिकल बात पूछूं कि कुल मिलाकर ये बता दो कि पुनीत ने इस फॉर्म में कितना निवेश कर रखा है, तो आपका फिगर क्या होगा? 2,80,000। तो आपको इसमें थोड़ा सा बस इसी बात का ध्यान रखना है कि पुनीत का इस फर्म के प्रति या इस फर्म के अंदर जो कुल अमाउंट है, जो टोटल अमाउंट है, जो निवेशित अमाउंट है, वो 2.5 लाख तो फिक्स्ड है, साथ ही साथ 30,000 करंट भी है। तो इसका मतलब पुनीत के टोटल 2,80,000 हैं फर्म के पास। बात समझ आई? इसी तरह तरुण का भी बताओ, तरुण का कितना अमाउंट है टोटल जो फर्म के पास है? 2,70,000। ओके, क्लियर हो गया पॉइंट? तो अगर मैं ये बोलूं अब आपसे फाइनली ये पूछूं कि मुझे दोनों का मिलाकर बताओ कि दोनों ने मिलाकर कितनी पूंजी निवेश कर रखी है बिजनेस में, तो आप कितना बता रहे हो? 5,50,000। तो इस प्रश्न में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर इस्तेमाल करनी पड़ेगी हमें, तो हम कितने रुपए लेंगे? 5,50,000। तो ये क्वेश्चन की चलाकी थी, थोड़ा सा आपको बेवकूफ बनाने की। लेकिन आपको बेवकूफ नहीं बनना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है और करंट अकाउंट का बैलेंस है, तो दोनों को जोड़कर ही पूरा बैलेंस माना जाएगा। क्लियर हो गया मेरा पॉइंट? सब बच्चों को क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन में मैं वैसे लिखवाऊंगा, लेकिन एक काम करो, चलो पहले लिख ही लो सॉल्यूशन में। तो इस क्वेश्चन की जो स्टार बात थी वो यही थी कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो लिया जाएगा सवाल में, आप लिख लो मेरे साथ, इस क्वेश्चन का स्टार पॉइंट यही है कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो लिया जाएगा इस सवाल में वो 2,50,000 और 30, मतलब पुनीत का पूरा दोनों बैलेंस, प्लस तरुण का भी 2,50,000 प्लस 20 पूरा बैलेंस, यानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के ही बैलेंसेस बेसिकली माने जाएंगे कि ये उनकी कुल पूंजी इन्वेस्टेड है बिजनेस में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर लिया जाएगा सवाल में तो वो 5,50,000 लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कहो चाहे नेट एसेट्स कहो, वो एक ही बात है। तो बेसिकली इस सवाल में आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? तो समझ आ गया?
तो ये छोटा सा पॉइंट था इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट। अब पहले आगे पढ़ते हैं फिर और ग्रिलिंग करेंगे। द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, चलो ठीक है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स इज 1 लाख। उनका एवरेज प्रॉफिट हमको 1 लाख रुपए दे रखा है। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, उनका रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड, ठीक है। तो हमको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड से। तो अब आप लिखो गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल इज इक्वल टू, बताइए, बोलो, सही। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, ठीक है। नेट एसेट्स की जगह कितना लिख लें, 5,50,000। तो क्वेश्चन में बच्चे जिसने गलत करना है वो यहीं करेगा, बस जिसका नेट एसेट गलत होगा वही गलत करेगा, बाकी तो सब कुछ सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1 लाख। एनआरआर कितना दे रखा है, 10। तो बस अब आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो क्या आएगा आंसर, 4,50,000, ठीक है। तो किताब वालों का चेक कर लो, उनका सही है क्या, ठीक है। तो इसका मतलब किताब वालों को भी आता है। चलो तो क्लियर हो गया, सब बच्चों को पॉइंट समझ आया। अब इसमें बड़े ध्यान से सुनना, और जिसको अगर लिखना हो वो लिख भी लेना, क्योंकि ये बात सवाल में कहीं है नहीं किताब में, लेकिन आपके स्कूल वाले बहुत चालू हैं, वो यही देंगे। अब यहां पर फिक्स्ड कैपिटल का तो चलो क्रेडिट बैलेंस होता ही है, वो तो हमेशा ही होता है, उसकी तो कोई बात नहीं है। अगर क्वेश्चन को बेवकूफ बनाना होता हमें और ज्यादा, या आपके स्कूल वाले तो बनाएंगे ही खैर, और वो करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस देने की बजाय आपको करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस दे देते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो, मेरी बात समझ आ रही है, कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में सेकंड लाइन में मान लो ये लिखा होता कि दे हैव डेबिट बैलेंसेस इन करंट अकाउंट, मान लो ये लिखा होता, तो बोलो बच्चों आपके हिसाब से फिर क्या फर्क पड़ता उससे। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके करंट अकाउंट में एक तरह से नेगेटिव बैलेंस है। तो फिर ये पुनीत में मैं 30,000, पता है, जोड़ता नहीं, सब्ट्रैक्ट कर रहा होता। और इसी तरह तरुण में भी वो 20,000 में जोड़ता नहीं, सब्ट्रैक्ट कर रहा होता। बात समझ आई? तो क्वेश्चन की एक लैंग्वेज से हमारे आंसर बदल जाते। तो आपके स्कूल वाले चालू हैं, समझ गए बात, तो वो आपको ये ट्रिक कर सकते हैं। तो पॉइंट क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो ये बात आप चाहे मार्जिन के ऊपर अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो रजिस्टर में, कि अगर करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस होता तो माइनस कर देते, है ना, लिख लो, तो ये बाद में काम आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर इस तरह करता चालाकी तो हम ये कर लेते, तो हमको बस पता होना चाहिए कि क्या करना है। चलो आगे, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे अब हम, 33। इस पे बनाना है आपको सी का सिंबल। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जब भी रिवीजन करोगे ये हमेशा करके जाना है, बार बार करके जाना है। ऑन 1 अप्रैल 2018 ए फर्म हैड एसेट्स ऑफ 1 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। चलो तो ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मन कर रहा है मेरा, तो ऐसे ही सिर्फ बता रहा हूं कि वो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है फर्म के पास एसेट्स हैं 1 लाख रुपए के, एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। तो ये बताओ कि क्या ये 1 लाख रुपए जो हैं ये फर्म के टोटल एसेट्स हैं या ये टोटल एसेट्स नहीं है? नहीं है, नहीं है। ओके, तो ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि उसने बोला कि ये 1 लाख रुपए के जो एसेट्स हैं ये एक्सक्लूडिंग स्टॉक है, स्टॉक को हटा के। तो स्टॉक भी तो एक एसेट होता है ना भाई, स्टॉक भी क्या होता है बच्चों, एसेट होता है।
तो अगर टोटल एसेट्स कोई पूछेगा हमसे तो टोटल एसेट्स कितने होंगे? 1,20,000, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन की चाल होती है, देखो वो लैंग्वेज में बस ये करता है। जब क्वेश्चन के पास कुछ नहीं बचा होता बच्चे को बेवकूफ बनाने के लिए, उसे पता है फॉर्मूला सिंपल है, बच्चे को आता है, तो वो आपको किस में बेवकूफ बनाता है? क्वेश्चन अंग्रेजी में। आपको किस में क्वेश्चन बेवकूफ बनाएगा बोलो? अंग्रेजी में। इंग्लिश घुमा के कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी लिखेगा, लेकिन अगर वो पहली लाइन में सीधा सीधा बोल देता कि टोटल एसेट्स आर 1,20,000, तो फिर हर बच्चा कर लेता। तो वो ऐसे नहीं लिखता, वो जानबूझ के चलाकी कर रहा है। फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है। द करंट लाइबिलिटीज वर 10,000, कह रहा है करंट लाइबिलिटीज 10,000 हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कह रहा है जो बच गया भाई साहब वो पार्टनर्स की कैपिटल है। तो बताओ कितना बच गया? कितना बच गया? 1,10,000। तो वो बस ये बता रहा है कि जितना बच गया वो पार्टनर्स की कैपिटल है दोनों की। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, आप उसकी बात समझ गए? मैंने आपको बैलेंस शीट सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए बना के दिखा दी, समझ आ गया वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है। फिर वो कह रहा है इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60,000, कह रहा है गुडविल जो है फर्म की वो निकाली 60,000। बस अबे बस डांस नहीं करना है, बताओ अबे क्यों डांस कर रहा है? वेरी गुड, क्योंकि इसमें गुडविल दे रखी है पहले से, पहले से ही आंसर दे रखा है गुडविल का 60,000। और कह रहा है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ये 4 क्या है? NYP। तो कह रहा है 4 years की परचेज है सुपर प्रॉफिट की, तो 4 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, तो आपको फर्म के एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालने। चलो तो करके देखते हैं भाई क्या है। तो करें सवाल शुरू। चलो तो मेरे साथ साथ लिखो सॉल्यूशन। गुडविल इज इक्वल टू, तो किसको याद है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट के NYP वाले फॉर्मूले का? सही, तो लिख लो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू NYP, ठीक है ना। ये कैपिटलाइजेशन का सवाल नहीं है, ये तो सुपर प्रॉफिट वाले देखो उसका मेथड का है। NYP भी दिया है, वैसे भी अभी बताया था ना कैपिटलाइजेशन मेथड में NYP का यूज नहीं होता, तो ये सुपर प्रॉफिट का NYP वाला मेथड है जो आपने पहले पढ़ रखा है। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर लो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट की जगह ये रिप्लेस कर लो। ठीक है जी, अब सारी वैल्यूज पुट कर लो। गुडविल कितनी दे रखी है? 60, तो गुडविल की जगह 60 लिख लो। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, तो इसको आप x लिख लो, है ना। एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है, एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट एक ही बात है, तो इसको आप x लिख लो। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, बताइए बच्चों जी कैपिटल एम्प्लॉयड कौन से फॉर्मूले से बता रहे हो? टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, या फिर पार्टनर्स कैपिटल ले लो, चाहे खाली पार्टनर्स कैपिटल ले लो तो भी 110, और चाहे टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी करोगे तो भी 110। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 110। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह आप लिख लो 1,10,000। NRR कितना है? 8। और NYP कितना है? 4। अच्छा मैं एक एरर करके दिखा रहा हूँ, फिर मुझे बताना कि कहीं आप भी वो बच्चे तो नहीं हो, क्योंकि बच्चों की टेस्ट शीट्स में ये एरर देखें। कुछ बच्चे इस 4 को और 100 को काट के 25 लिख देते हैं, तो कहीं आप भी वो बच्चे तो नहीं हो, आपकी गणित इतनी ठीक है? चलो थैंक गॉड।
तो ब्रैकेट पूरा है इसीलिए। अब सॉल्व वैसे कर लेते हैं, तो ये अंदर के दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कट गया, तो 60,000 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 8,800 इंटू फोर। फोर को LHS में ले जाते हैं तो वो नीचे पहुंच जाएगा, तो 60 अपॉन फोर कितना हो गया 15,000 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8,800। तो बताओ एक्स इज इक्वल टू 23,800। तो आपके एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कुछ भी कह सकते हो, वो आ गए 23,800। तो ये आपका आंसर आ गया। चलो तो सर ये भी सिंपल ही निकला वैसे तो, और मुश्किल करवाओ सर मुश्किल, वेयर आर द मुश्किल सवाल्स, और देखते हैं 35 कर लेते हैं। चलो मुश्किल बच्चों है नहीं वैसे, इसमें दिक्कत यही है, लेकिन चलो कोई नहीं 35 करके देखते हैं। 35 में लिखा है जी, राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपये, ठीक है, विद ए कैपिटल ऑफ 2,00,000 रुपये, ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%, ठीक है, यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ओके, तो बताइए ये कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला, दूसरा वाला, वर्कआउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। चलो तो लिखो सॉल्यूशन, तो बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या था। हाँ इसमें बताया था ना, इसमें हम सीधा सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं तो आ जाता है आंसर, तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, ठीक है, तो रिप्लेस कर दिया अभी तक तो हमने फॉर्मूले के अंदर। तो बच्चों एनआरआर से एनआरआर कट गया और 100 से 100 कट गया, मैथमेटिक्स, 100 से 100 कट हो गया और एनआरआर से एनआरआर कट हो गया, तो आप भी यही स्टेप करोगे अगला, ये तो नहीं करोगे आप, ये बच्चे करते हैं, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, अभी आपको हंसी आ रही है, ये एलन करेगा टेस्ट में, एनआरआर से एनआरआर कट गया, 100 से 100 कट गया। चलो तो बच्चे लेकिन कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, अच्छा तो अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लो, एवरेज प्रॉफिट की जगह लिख लो 30,000, कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ 2,00,000, ओके 2,00,000 इंटू एनआरआर 10 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 10, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया जी 30,000 माइनस ये कितना हो गया 20,000 इंटू 10 ही लिख लेते हैं अब सीधा, तो 10,000 इंटू 10 1,00,000, तो एक बार आप किताब वालों का देख लो, उनका 1,00,000 ही आ रहा है, ठीक है, तो ये हमने कर लिया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर लिया। तो क्लियर है सब बच्चों को, यहां तक किसी को कोई डाउट दिक्कत परेशानी, क्लियर है सब सिंपल। चलो इसके बाद है जी लास्ट क्वेश्चन, इस पे आपको सेकेंड लास्ट क्वेश्चन सॉरी, तो इस पर आपको कुछ भी नहीं बनाना, ये भी सिंपल है, तो करके देख लेते हैं एक बार। रंजन एंड रंजनी, रजनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल्स वर राजन 3,00,000, रजनी 2,00,000, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। इसका मतलब बताए क्या होता है, जब भी ऐसी लाइन लिखी होती है कि फर्म ने 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो आप इसको ना एवरेज प्रॉफिट लिख लिया करो,
क्योंकि जो एक्चुअल प्रॉफिट होता है ना, एक तरह से उसी को एवरेज प्रॉफिट भी कह देते हैं, तो ये एवरेज प्रॉफिट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो फिर से वही सेम ही है वैसे तो, ये तो एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। चलो तो सॉल्यूशन इस बार सीधा ही निकालते हैं, गुडविल एग्जामिनर को भी थोड़ा डरा देंगे। तो कैसे निकालेंगे सीधा, एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 इनटू 100 अपॉन एनआरआर। तो समझ गए भाई लोगों आप, आपको समझ आया, वो शुरू के स्टेप्स हमने वैसी कर लिए, तो सीधा अब सीधा पुट कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड आप बताओगे 5 लाख, आपको कैसे पता चली, दोनों के कैपिटल्स जोड़ लिए आपने, सही, तो दोनों के कैपिटल जोड़ लोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू 100 अपॉन एनआरआर है 20। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये है 1,50,000 माइनस 1 लाख इनटू 1/5, इनटू 5, तो ये हो गया 50,000 इनटू 5, 2,50,000। ठीक है, तो बस सुपर प्रॉफिट को सीधा कैपिटलाइज कर देते हैं, तो ये सिंपल मेथड है, इससे हमारी गुडविल आ जाएगी। क्लियर हो गया वाला भी क्वेश्चन। चलो फिर है जी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न, चैप्टर भी फिनिश, कहानी भी फिनिश। तो इस क्वेश्चन पर आप सी बना लो, 100% लिख लो, क्योंकि इस अकेले क्वेश्चन में चारों मेथड्स हैं, तो इसमें फुल रिवीजन हो जाता है। तो क्वेश्चन 39, ये बढ़िया है सर। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, देखो चारों मेथड आ गए ना, 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो पहले तो 3 ईयर्स परचेज वाला फॉर्मूला लगाना है एवरेज प्रॉफिट का। दूसरा कह रहा है 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फिर दूसरा मेथड आपको 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट लगाना है। तीसरा कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, फिर उसी सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे। और चौथा कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो फिर एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे। तो ठीक है, चारों मेथड्स तैयार है, 1 by 1 कर लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसने, एक बार पढ़ लो, वैसे तो सवाल में अभी देखेंगे क्या है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 6 लाख, ओके। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं 2 लाख, 1.80 और 1.60, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, ओके। डी आप बताओ, जो बच्चे भूल चुके हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू द पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्या था ये सर, क्या कहते हो आप, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सपेंस, ऐसा कुछ सिखाया है कि नहीं, ये बताओ। तो इसका ट्रीटमेंट कई सवालों में सिखा चुके हैं आपको। तो जब ये है एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंस है, तो आपको एवरेज प्रॉफिट सही निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। याद आ गए, अब शुरू के सवालों में आपको सिखाई थी कहानी, चलो तो कर लेंगे खैर दोबारा। और ई पॉइंट में कह रहा है एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, वो तो हम वैसे भी नहीं लेते, फिक्टिशियस एसेट वो तो हम वैसे भी नहीं लेते, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो तो हम वैसे भी नहीं लेते, इस 7 लाख, ठीक है। तो एसेट्स हैं 7 लाख, वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख, ठीक है, एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज 1 लाख, ठीक है। तो वैसे देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस ई पॉइंट का कोई यूज नहीं है वैसे तो, अगर आप ई पॉइंट से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो भी 6 लाख ही आएगी, निकाल के देख लो, चाहे एसेट माइनस लाइबिलिटी कर लो, 6 लाख आ रहा है। पार्टनर्स कैपिटल कितनी दे रखी है वैसे देख लो, 6 लाख दे रखी है,
और ए पॉइंट में तो उसने खुद ही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है, 6 लाख दे रखी है, तो ए और ई पॉइंट सेम ही हो गए, ए और ई पॉइंट सेम हो गए। चलो तो अब हम फॉर्मूला लगा के एक बाय वन बाय वन करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम मेथड करते हैं जी, कौन सा वाला, एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें गुडविल का फॉर्मूला बताओ, एवरेज प्रॉफिट इनटू एन बाई पी। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे, जो हमें तीनों वर्षों के प्रॉफिट दे रखे हैं उन्हें जोड़कर किससे डिवाइड करोगे, 3 से, तो एवरेज आ जाएगा। बोलो हाँ, जो आपको तीनों साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं उनको जोड़ के 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा, और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितनी दे रखी है, 3। पहले केस में पढ़ो ना सवाल में, पहले केस में कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज, 3। ठीक है, अब मैं प्रॉफिट पूछूंगा आपसे, 3 साल के क्या लेने हैं। पहले साल का 2 लाख दे रखा है, लेकिन आप क्या लोगे, वेरी गुड। दूसरे साल का 180 दे रखा है, लेकिन आप क्या लोगे, वेरी गुड। और तीसरे साल का 160 दे रखा है, लेकिन आप क्या लोगे, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये इस बात का सबूत है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। बात समझ आई? तो आपने क्यों ये फिगर्स बताए तीनों साल के प्रॉफिट के, क्योंकि रेम्यूनरेशन माइनस करनी है हर साल प्रॉफिट में से, ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर खर्चा होता है। तो हमारे तीनों साल के प्रॉफिट आपको 1,80,000 और 60 लेने हैं, राइट। चलो ठीक है, तो अब ये फिगर्स लिख लेते हैं। तो 1 लाख को जोड़ो, 80 को जोड़ो और 60 को जोड़ो, 3 से 3 तो कट गया, तो कितना आ रहा है, 2,40,000। तो पहले केस का आंसर आ गया 2,40,000। ठीक है, तो क्लियर हो गई कहानी, है ना। चलो उसके बाद दूसरा मेथड, दूसरा मेथड कौन सा था, सुपर प्रॉफिट मेथड। उसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू एन वाई पी। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू एन वाई पी। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला इनटू एनआरआर अपॉन 100, ठीक है, इनटू एन वाई पी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, हमने ऊपर निकाला नहीं, एक स्टेप मिस कर दिया, लेकिन अगर मान लो ऊपर मैं निकालता एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट वैसे कितना आ रहा होता मेरा, 80,000 आ रहा होता ना, है ना, 2,40,000 टोटल था, डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट 80 लिख लूं बच्चों जी, बोलो हाँ या ना, एवरेज प्रॉफिट 80, ओके। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 6 लाख, एनआरआर 10%, एनवाईपी 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 80 माइनस 60 इंटू 3, तो 20 इंटू 3 60, ओके। तो दूसरे मेथड से गुडविल 60 आ रही है, सर ये तो अलग आ गई, हाँ तो अलग आ सकती है, इसमें आप हैरान क्यों हो, मेथड भी तो अलग है। तो पहला मेथड अलग है उससे गुडविल अलग आ सकती है, दूसरा मेथड अलग है उससे गुडविल अलग आ सकती है, तो गुडविल की वैल्यू अलग अलग आ सकती है अलग अलग मेथड से। उसके बाद तीसरा मेथड था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये सबसे सिंपल है, ये तो मजे ही आ गए। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट आपने वैसे ऊपर अभी निकाला ही है,
है ना, सुपर प्रॉफिट कितना निकला हुआ है आपका 20,000, है ना, सुपर प्रॉफिट 20 है ही, तो बस इसीलिए इसमें मज़े आ गए, इसमें सुपर प्रॉफिट हमें ऊपर से ही पता है 20 इंटू 100 अपॉन 10, तो कितना आ गया 2 लाख, ठीक है। और आखिरी मेथड कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला एक बार बोल दो। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, है ना, तो याद हो जाएगा इसी बहाने, इस सवाल से एक ही सवाल में सब आ गया, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट था 80, NRR है 10, और नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख, तो ये आ गया 8 लाख माइनस 6 लाख, तो ये आ गया 2 लाख। ठीक है, तो समझ आया सब बच्चों को, बिल्कुल किसी भी बच्चे को कोई डाउट दिक्कत परेशानी, चलो तो ये हो गया जी आपका चैप्टर फिनिश। तो सिंपल चैप्टर, सिंपल कहानी, एवरीथिंग इज ओवर। तो सर अब क्वेश्चंस जो बच गए वो हम करेंगे, हाँ वो आपको करने, तो जो भी अब रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको करने, और जो भी इलस्ट्रेशंस हैं वो आपको करने, बस